गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग लेसन थर्ड, पॉवर्टी एज अ चैलेंज. एंड टुडे आवर टॉपिक इज एंटी पॉवर्टी मेजर्स. रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी. गरीबी को हटाना एक भारतीय विकास नीति है, जो उसका एक मुख्य उद्देश्य है. द करेंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन टू प्लैंक्स. जो आज की निर्धनता विरोधी नीति है सरकार की, वो मुख्य रूप से दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. फर्स्ट इज प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो आर्थिक वृद्धि है उसको प्रमोट करना, प्रमोशन करना. एंड टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, और जो निर्धनता विरोधी जो प्रोग्राम्स है, कार्यक्रम है, उनका टारगेट बनाना. ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स लास्टिंग अप टू द अर्ली 80s, देयर वर लिटल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ एंड नॉट मच रिडक्शन इन पॉवर्टी. ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, पिछले 30 सालों में अर्ली 80s तक, यानी कि 1950 से लेके 1980s तक, देयर वर लिटल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ, जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है वो बहुत कम हुई है. एंड नॉट मच रिडक्शन इन पॉवर्टी, और गरीबी में भी ज़्यादा कमी नहीं आई. ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट्स विच वर अबाउट 45% इन द अर्ली 90s रिमेन द सेम. और जो ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट्स है, अनुमान है गरीबी का, जो वो 45% है अर्ली 90s में, 45% रहा, और वो अब तक सेम बना हुआ है अर्ली एटीज़ तक, मतलब वो सेम बना रहा. सिंस द 80s इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड. और 1980 के दशक से उसके बाद जो टाइम आया, उसमें भारत की आर्थिक वृद्धि तेजी से हुई, पूरे वर्ल्ड में सबसे तेज थी, फास्टेस्ट थी. द ग्रोथ रेट जम्प्ड फ्रॉम द एवरेज ऑफ अबाउट 3.5% अ ईयर इन द 1970s टू अबाउट 6% ड्यूरिंग द 1980s एंड 1990s. 1970s, इसका मतलब 1970 के दशक में, ये 3.5% थी एक साल में, यानी कि एक साल में 3.5% ये बढ़ती थी, जबकि 1980 के दशक में और 1990 के दशक में ये 6% हो गई पर ईयर. द हायर ग्रोथ रेट्स हैव हेल्प्ड सिग्निफिकेंटली इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी. और जो ग्रोथ रेट में वृद्धि हुई, उसने पॉवर्टी को रिडक्ट करने में या उसको कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हेल्प की. देयरफॉर इट इज बिकमिंग क्लियर दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन. और ये साफ हो गया या साफ होता जा रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में और पॉवर्टी रिडक्शन में एक लिंक है, स्ट्रॉन्ग लिंक है दोनों के बीच में. जो आर्थिक वृद्धि होती है और गरीबी कम होती है, दोनों में एक जुड़ाव है. इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटीज, जो आर्थिक वृद्धि है वो रोजगार हमें देती है या अवसर को हमें ज़्यादा प्रदान करती है. एंड प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट, और हम मानव विकास में कुछ निवेश कर सकें उसके लिए हमें ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है. दिस ऑल्सो एनकरेजेस पीपल टू सेंड देयर चिल्ड्रन, इंक्लूडिंग द गर्ल चाइल्ड, टू स्कूल इन द होप ऑफ गेटिंग बेटर इकोनॉमिक रिटर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन. और यह लोगों की हेल्प करती है, उनको एनकरेज करती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें जिसमें गर्ल चाइल्ड भी शामिल है, इस उम्मीद के साथ गेटिंग बेटर इकोनॉमिक रिटर्न, कि उनको वापस जो इकोनॉमिक रिजल्ट मिलेंगे वो अच्छे मिलेंगे इस एजुकेशन में इन्वेस्ट करके, यानी कि शिक्षा पे पैसा लगा के उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. हाउएवर द पुअर मे नॉट बी एबल टू टेक डायरेक्ट एडवांटेज फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ. इस इकोनॉमिक ग्रोथ के द्वारा जो अवसर प्रदान किए जाते हैं, हो सकता है कि गरीब उसका सीधा लाभ ना उठा सके. मोर ओवर ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज मच बिलो एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों से कम जो वृद्धि हुई है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हुई है, यानी कि इसमें कृषि क्षेत्र में कम विकास हुआ. दिस हैज़ अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन पॉवर्टी एज अ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल लिव इन विलेजेस. और ये एक सीधा, मतलब गरीबी के ऊपर एक डायरेक्ट बियरिंग है
क्योंकि गांव में ज़्यादा लोग रहते हैं एंड आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और वो कृषि पर डिपेंड रहते हैं। इन दीज सर्कमस्टांसिस देयर इज़ अ क्लियर नीड फॉर टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। और ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सर्कमस्टांसिस में यह एक बिल्कुल स्पष्ट ज़रूरत है कि एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम जो है उनका टारगेट बनाया जाए। ऑल्दो देर आर सो मैनी स्कीम्स विच आर फॉर्मुलेटेड टू अफेक्ट पॉवर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं सरकार ने बनाई जो सीधे तौर पर या प्रोक्स रूप से, प्रत्यक्ष या प्रोक्स रूप में, यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉवर्टी को ख़त्म करेंगी। सम ऑफ देम आर वर्थ मैंशनिंग, और उनमें से कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं जिसको हम मैंशन कर सकते हैं। जैसे कि एक है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। 2005 इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो स्कीम थी वो 2005 में बनाई गई थी, जिसको मनरेगा भी कहा जाता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार योजना। इसका जो एम है वो है 100 टू प्रोवाइड 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू एंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज, ग्रामीण एरिया में जीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक घर को जिसके पास काम नहीं है उसको 1 साल में 100 दिन का काम इसमें वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। वेज एम्प्लॉयमेंट मीन्स ऐसा काम जिसमें डेली वेजेस मिलती है। तो ये 100 डेज के लिए एक एक पर्सन को मिलता है या एक हाउस होल्ड को मिलता है, और ये ग्रामीण एरिया के लिए है। इट ऑल्सो एम्ड एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कॉज ऑफ ड्रॉट, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इसका एम है। इसका मीनिंग होता है कि हम जितना भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको उतना ही यूज़ करें जितने की हमें नीड है, और आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए हम बचा के रखें, उसको कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका ये भी उद्देश्य है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट बने। टू एड्रेस द कॉज ऑफ ड्रॉट, और ये सब किसके लिए, जैसे कि सूखे की कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, डिफोरेस्टेशन के लिए एंड सोइल इरोजन के लिए। 1/3 ऑफ प्रपोज्ड जॉब्स हैव बीन रिजर्व फॉर वीमेन, इनमें से 1/3 जो काम है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। द स्कीम प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 220 करोड़ पर्सन, डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू 4.78 करोड़ हाउस होल्ड्स, और इस स्कीम ने, इस योजना ने अभी तक 220 करोड़ पर्सन, यानी कि इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, और 4.78 करोड़ हाउस होल्ड, यानी कि घर, इतने घरों को इसने रोजगार अभी तक प्रदान किया है। द शेयर ऑफ SC/ST वीमेन पर्सन डेज इन द स्कीम आर 23%, और जो SC और ST का जो शेयर है वीमेन पर्सन का वो इसमें 23% है। 17% एंड 53% रिस्पेक्टिवली। यहाँ इसका मीनिंग ये है कि SC की जो महिलाएं हैं उनके लिए 23, ST जो महिलाएं हैं उनके लिए 17, SC जो है उनके लिए 23, ST के लिए 17, और जो महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पे, मतलब एक ये 53% जो है वो क्रमशः दिया हुआ है कि ये इतने इतने परसेंट इन सब का इसमें हिस्सा होगा। द एवरेज वेज हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 65 इन 2006 टू 7, और जो वेतन था वो 2006 और 7 में 65 रुपीज़ जो था वो यहाँ पे एक फिक्स किया गया था, जो कि 2013 और 14 में 138 बढ़ा के कर दिया गया, और अब जैसे 2020 तक ये और भी शायद बढ़ चुका होगा। वी शेल कॉन्टिन्यू दिस टॉपिक फॉर टुमोरो।